ये है अमेजिंग गुलाब जामुन की रेसिपी जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसे आज गेहूं के आटे से और घर में मिलने वाले दूध से तैयार करूंगी। और देखिए कितना जूसी है और बिल्कुल अंदर तक इसका जूस भरा हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रत्ना और आप हैं इस वक्त रत्ना की रसोई चैनल पर। तो आइए अब हम इसकी रेसिपी भी देख लें। मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर फुल क्रीम दूध। आधा लीटर दूध से मैं इस गुलाब जामुन को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। दूध को उबलने के बाद हम इसे चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा करेंगे, बिल्कुल रबड़ी की तरह। लेकिन हमें बीच में इसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना जमे साइड से। तो साइड से मलाई निकालते हुए इसे हम बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। अब ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है लेकिन इसे हमें थोड़ा सा और सुखाना है, यानी थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो इसे हम थोड़ी देर और चलाते रहेंगे ताकि ये रबड़ी की तरह बन जाए। तो कुछ देर और इसे सुखाने के बाद ये देखिए दूध इतना गाढ़ा हो गया है। इसे हम जब ठंडा करेंगे तो ये जमकर और गाढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही चलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इसके ऊपर ठंडा होने के बाद मलाई की परत ना जमे। और अब हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में मैं यहाँ पर 2 कप इस कप से चीनी ले रही हूँ। ये लगभग 350 ग्राम के आसपास है। और इसी कप से 1.5 कप पानी लूँगी, यानी 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी, यानी बराबर से थोड़ा सा कम पानी। चाशनी हमें थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है इसीलिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि गुलाब जामुन चाशनी में अच्छी तरह से डूबनी चाहिए तभी वो चाशनी में फूल कर सॉफ्ट हो पाएगी। तो गैस को हमने अभी हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर चीनी को पिघला लेंगे। पानी हमने अच्छी मात्रा में ली है तो गैस को कम नहीं करना है, हाई फ्लेम पर इसे पिघलने देते हैं। और चीनी अब तक अच्छे से पिघल गई है, इसमें उबाल भी आने लगा है। चाशनी को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम इलायची की पाउडर डाल देंगे। तो इलायची को मैंने कूट कर ऐसे ही डाल लिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देते हैं, ढक देते हैं प्लेट से और चलते हैं आगे। ये देखिए ये जो दूध हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा था, गाढ़ा दूध, वो अब तक ठंडा होकर इस तरह का हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ही हमें चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आटा मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करेंगे। तो मैंने छोटी चम्मच का यहाँ पर यूज़ किया है ताकि थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें आटा हम डाल सकें और मिक्स कर सकें। और ये है बेकिंग पाउडर जो गुलाब जामुन में बहुत मस्त है, ज़रूरी है इसे सॉफ्ट बनाने के लिए, फुलाने के लिए। और ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में या फिर नॉर्मल सा जनरल स्टोर में भी ये आपको मिल जाएगा ईज़िली। और रेट बिल्कुल कम, 30 रुपये। एक बार 30 रुपये का ये बेकिंग पाउडर काफ़ी लंबा टाइम तक चल जाता है। और ये है बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा भी कई रेसिपीज़ में डाला जाता है जिसकी वजह से रेसिपीज़ अच्छी बनती है। और ये इसी तरह से पैकेट में आपको मिलेगा। आप इसे किसी डब्बे में टाइट करके बंद करके रख सकते हैं। 20 रुपये का ये पैकेट है और ये 20 रुपये का पैकेट आपको काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। कई सारी रेसिपीज़ में हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, बेकिंग पाउडर की भी और बेकिंग सोडा की भी। तो अभी हम इन दोनों को नहीं डालेंगे, पहले देख लेते हैं कि आटा हमें इसमें कितना लगने वाला है। पहले आटे की क्वांटिटी देखकर फिर हम उसी के अनुसार बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। तो 2 छोटी चम्मच मैंने इसमें आटा और मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे आटे को। इसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स हो सकता है, करीब 1 छोटी चम्मच, तो इसे भी डाल लेते हैं। मतलब इसमें 5 छोटी चम्मच हमने आटा ऐड किया है। तो इसी के हिसाब से 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम ही बेकिंग पाउडर लेंगे और उतना ही बेकिंग सोडा, और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। श्योर हो जाएं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया है, कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से डो में मिक्स हो गया।
थोड़ा सा घी या फिर रिफाइंड ऑयल लेंगे, हाथ में लगाएंगे इस तरह से, और तेल लगे हाथों से इसे इकट्ठा कर लेंगे। इसी बहाने थोड़ा सा और मिक्स हो जाएगा। और अब हम एक तरफ पहले तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए, गैस का फ्लेम लो करके, ताकि ये भी धीरे धीरे गर्म होता रहे। और दूसरी तरफ अब हम इसका छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन के लिए। इस आटे को देखिए कितना सॉफ्ट है ये, तो हमें इसी टाइप से रखना है सॉफ्ट आटा, ताकि गुलाब जामुन हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बने और सॉफ्ट। डो को टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इसी तरीके से हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। देखिए पहले प्रेस करते हुए हम दोनों तलत्थियों को इस तरह से बॉल्स तैयार करेंगे, ताकि बीच में क्रैक्स कहीं भी ना हो और वो चिकना हमारा बॉल्स तैयार हो। जब बॉल्स अच्छी तरीके से नहीं बंधता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वही गुलाब जामुन तेल में फ्राई होते वक्त फटने लगता है। तो दोनों तलहथियों से अच्छी तरह से बांध बांध कर प्रेस करते हुए हम बॉल्स को तैयार कर लेंगे, चिकना बॉल्स। और इसी तरीके से सभी को रेडी कर लेंगे। और एक तरफ हमारा तेल भी मीडियम गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे अभी, और इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को डाल लेंगे। आधी लीटर दूध और 5 छोटी चम्मच से ये 19 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है। साइज़ में ना तो बड़ा है बहुत और ना ही छोटा, मीडियम साइज़ का है ये। फ्राई पैन मैंने चौड़े तले का लिया है, चौड़े मुंह वाला भी है, ताकि एक ही बार में सारा गुलाब जामुन फ्राई हो जाए। अब मैंने गैस के फ्लेम को ज़रा सा बढ़ाया है, यानी अब तक ये लो फ्लेम पर फ्राई हो रहा था, और अब लो से ज़रा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि फ्राई होने के साथ साथ इसका कलर भी अच्छा बनना चाहिए। तो फ्राई भी हो रहा है और इसका कलर भी अब इसमें आने लगा है बहुत ही प्यारा सा। तो मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूँगी इतनी ही तेज़ फ्लेम पर, मतलब लो से ज़रा सा बढ़ाकर हमें फ्राई करना है, ताकि फ्राई होने के साथ साथ इसका कलर भी यमी आए। और वाकई अब तक इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और एक तरफ चाशनी जो अब तक हमारी ठंडी हो गई होगी उसे भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने चढ़ा दिया है चाशनी को, अब इसमें गुलाब जामुन को डाल लेते हैं। चाशनी हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे इसे चलाकर इस तरह से, और इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितना सुंदर हमारा ये गुलाब जामुन फूलकर बड़ा हो गया है। इसे इस तरह से हिलाकर, ताकि इसका जो साइड है वो बदल जाए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर साइड हो जाए, ताकि और अच्छी तरीके से ये चाशनी को सोख कर सके। और 15 मिनट के लिए इसे हम और ढककर छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद ये गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। तो हो गया ना और भी आसान गुलाब जामुन को बनाना, यम्मी गुलाब जामुन को। ये गुलाब जामुन इतना टेस्टी है कि बच्चे वेट नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग के लिए, कि रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसके बाद हम इसमें से खाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये खाली होना शुरू हो गया है, बच्चों ने इसमें से ले लेकर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप भी इस गुलाब जामुन को बनाइए, बहुत ही ईजी है। घर में दूध हर किसी के होता है, अब मिल्क पाउडर का कोई झंझट ही नहीं, घर में मिलने वाले दूध से ही इसे आप तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं, बल्कि आप गेस्ट को भी चौंका सकते हैं इसे बनाकर खिलाकर। देखिए कितना जूसी है और सॉफ्ट, यमी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी आपकी ये गुलाब जामुन। ये देखिए जो भी आप कट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट गुलाब जामुन आपको मिलेगा। तो ज़रा मैं टेस्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कैसा बना है ये। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है ये वाकई। तो फ्रेंड्स आप भी इस गुलाब जामुन को आज ही ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस गुलाब जामुन को दूध से नहीं बल्कि मिल्क पाउडर से बनाना चाहते हैं, तो जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हैं ठीक उतनी ही बराबर मात्रा में मिल्क पाउडर उसमें मिक्स करें। और जितना आटा है मिल्क पाउडर है क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा उसमें मिक्स करें।
फिर आप दूध से या फिर पानी से भी उसका सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। और बाकी का प्रोसेस सेम यही रहेगा जो मैंने इसमें बताया है। तो मिलती हूँ फिर से कोई यूनिक और अल्टीमेट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।